हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो है चैप्टर 9 पर आ गए हैं जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स भैया, इसमें आप एक काम कीजिए, तलाक दिलवा दीजिए आप इनका। बायो को अलग कर दें, मॉलिक्यूल को अलग कर दें। बायो का मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल का मतलब कोई सब्सटेंस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। भाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। दूसरे मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे फॉस्फोरस पाया जा रहा है, सल्फर पाया जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जा रहा है, कैल्शियम पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन और मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम इनकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये हमारा बायो मॉलिक्यूल हो गया। अब बात आती है कि आप बायो मॉलिक्यूल्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल जो हमारे मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं आप उनका एनालिसिस कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये है? तो थोड़ा सा हम आइडिया दे लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके हैं, फिर भी हम आपके लेवल पर, जैसे आप 11th क्लास में, तो 11th क्लास के लेवल पर जो चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से हम बताएं आपको। एक होता है ये जो स्ट्रक्चर होता है डॉक्टर के यहां, आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहेंगे, मॉर्टर। और इनमें इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेस्टल। तो ये मॉर्टर और पेस्टल, किसी वेजिटेबल पार्ट को लेना या फिर हमारे अगर एनिमल पार्ट को लेना चाह रहे हैं तो लिवर वाले एनिमल पार्ट को लेते हैं, टिश्यू को लेते हैं, या किसी पत्ती बत्ती को लेना, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेना। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अगर आप लोगे तो उसके साथ CH3COOH ये हमारा क्या है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को यहां पर डाल दोगे और जो पत्ती वाला पार्ट है अगर आप वेजिटेबल पार्ट ले रहे हैं तो उसको भी आप यहां डाल दोगे और आराम से यानी कि इनको ग्रिंड करोगे आप, पीसोगे। पीसने के बाद दो पार्ट होंगे आपको, एक ऐसे पार्ट जो इस एसिड में सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा, और ऐसा भी पार्ट होगा जो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, इनसोल्यूबल होगा। फिर आप जो यहां पर ग्रिंड कर लोगे उसको अलग बर्तन में, अलग ग्लास में, और यहां पर चलनी लगा के उसको छान लोगे, तो यहां दो तरह के पार्ट आएंगे। एक तो हमारा ये जो है एसिड सोल्यूबल पार्ट है, एसिड सोल्यूबल पार्ट किसका, एसिड सोल्यूबल पार्ट किसका है, लिविंग टिश्यू का जो हमने लिया, और यहां पर क्या होगा, इनसोल्यूबल पार्ट, ठीक। ये इनसोल्यूबल पार्ट होगा और यहां पर एसिड सोल्यूबल पार्ट होगा, यहां पर एसिड इनसोल्यूबल पार्ट होगा। यहां पर जो आप ले रहे हैं वो चीज क्लॉथ ले सकते हैं, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, उस हिसाब उसमें से आप इनको सीव कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो इस आधार पर भी जो एसिड में सोल्यूबल पार्ट होते हैं उस आधार पर भी आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हायर क्लास में आप पर्टिकुलर अगर आपको एलिमेंट का एनालिसिस करना है, जैसे हमें सोडियम का करना है या फिर कैल्शियम का करना है या फिर मैग्नीशियम का या कार्बन का करना है, तो अलग अलग तरीके हैं उनके एनालिसिस करने के जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आप इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का जो पाए जाते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बेसिस के आधार पर। और एक तरीका यह भी है
कि लिविंग टिश्यू को लिविंग टिश्यू वाला पार्ट लोगे आप किसी प्लांट से लोगे या किसी एनिमल से उसका टिश्यू ले लोगे, उसके टिश्यू को आप बर्न करोगे, जलाओगे, जलाओगे तो पानी, जब टिश्यू को जलेगा तो पानी उड़ जाएगा, ठीक, और उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो भी धुआं बन के उड़ जाएगा। अब जो उसकी जो राख बचेगी उसमें इन ऑर्गेनिक पार्ट होंगे, बिना कार्बन वाले पार्ट होंगे, ऑर्गेनिक पार्ट जो सारे उड़ चुके होंगे कार्बन के फॉर्म में, तो इनऑर्गेनिक पार्ट का आप स्टडी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट में। इस तरह अलग अलग फॉर्म में भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं आप उनका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, अब जो बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, इस फॉर्म में लोगे, अगर केमिकली आप देखोगे तो कीटोन है, बेंजीन है, उस फॉर्म में एल्डिहाइड है, इस फॉर्म में आप स्टडी करोगे, लेकिन हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कीटोन एल्डिहाइड को तो स्टडी नहीं कर रहे हम यहाँ पर अमीनो एसिड को करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को करेंगे, फैटी एसिड को, इनको फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो पहला वाला जो है हमारा, अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या है, अमीनो एसिड, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है तो उसे हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, उनमें एक हमारा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के अगर बात करें आप तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, एक तो ये अल्फा कार्बन होता है मिडिल वाला, इसकी चार वैलेंसी हमारी होती है, यहाँ आर ग्रुप होता है, ये अलग अलग फॉर्म में होगा, मैं आपकी बात करूंगा इसकी, एक तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक यहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है, यहाँ लिख रहे चलो NH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। तो आप ये बात देखेंगे कि इसके बेस पर हमारे अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, आर इसके बेसिस पर, जो अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो अल्फा कार्बन होता है, जिसमें ये सेंट्रल वाला पार्ट है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसकी चार वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी पर हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, और एक वैलेंसी पर क्या लगा हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो आर है, ये अलग अलग फॉर्म में होगा, इसके आधार पर ही हमारे अमीनो एसिड अलग अलग फॉर्म के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने बताया था, ये सिंपल डायग्राम है, ये यहाँ पर आर ग्रुप, यहाँ पर हमारा CDOH, या फिर हम कह सकते हैं अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप लगा दें NH2, ये लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का ये जनरल फॉर्मूला था, इसके बेस पर अमीनो एसिड अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ये माने NH2 है, यहां पे H है, अगर यहां पर हम H लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा, यहां पर H लगा देते हैं, और अगर यहां पर हम, ये ग्लाइसिन अलग तरह का अमीनो एसिड है, जो 20 टाइप्स के जो टोटल अमीनो एसिड है उनमें से एक है, यहां पर अगर हम CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एलेनिन बन जाएगा, ये एलेनिन हो जाएगा, ठीक। यहां पर अगर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये एलेनिन हो गया। अब यहां पर अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दें
तो ये हमारा सेरिंग बन जाएगा CH2OF। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेरिन बन जाएगा। यहां पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दिया था, ठीक। तो ये जो आ रहा है ये आर ग्रुप, इसके बेस पर हमारे अमीनो एसिड लगभग 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं उनकी प्रॉपर्टी जो एसिडिक फॉर्म में होती है, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी बेसिक फॉर्म में होती है, बेस होता ही। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, ना तो एसिड है और ना बेस। जैसे अमीनो एसिड की बात करें हम यहां पर, एसिडिक अमीनो एसिड जिनकी प्रॉपर्टी है वो एसिडिक फॉर्म में है, वो हमारा ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, एक अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिनकी प्रॉपर्टी बेसिक है वो हमारे, इसका एग्जांपल हमारा लाइसिन है, प्रॉपर्टी के आधार पर ये हमारा लाइसिन हो जाएगा जिसकी जो है प्रॉपर्टी बेसिक है। ऐसे अमीनो एसिड जो न तो एसिड है और न बेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलाइन हो जाएगा, जो न तो एसिड है न बेस है, तो अलग अलग तरह की है। तो आप इनको कैसे याद रखोगे, लिंक के बारे में देख लेते हैं भैया। अगर किसी के गाल पर ग्लूटामिक मतलब गाल पर एसिड डाल दिया तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो एक आप ऐसे लिंक बना सकते हैं, ग्लूटे गाल पर, अगर गाल पर एसिड डाल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड बस बेसिक यानी बस है, बस में बहुत सारी लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई, लाश पड़ी हुई है बस में, तो बेसिक है तो लाइसिन, लाइसिन हो जाएगा, लाश पड़ी हुई है बस में। न्यूट्रल है वेल, अगर हम कह रहे हैं एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, यानी कि न तो दुख है वहां पर ना ही सुख है, तो न्यूट्रल हो जाएगी बात, न एसिडिक है न बेसिक। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी है हमारी कुछ की जो है वो इसके हिसाब से भी होते हैं। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एरोमेटिक भी होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं एरोमेटिक, और एरोमेटिक में जो केमिकली जो होता है वो रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं, रिंग्ड फॉर्म में भी अमीनो एसिड हमारे होते हैं। तो ऐसे भी हमारे अमीनो एसिड है, जैसे टायरोसिन है, फिनाइल एलिनिन है, ट्रिप्टोफन है, ये हमारे कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक फॉर्म में होते हैं, है ना। टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफन, टीपीटी, ऐसे अमीनो एसिड जो एरोमेटिक होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और इनका जो केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला होता है केमिकली, ये रिंग्ड स्ट्रक्चर के मोस्टली होते, ठीक है। तो ये हमारे अमीनो एसिड कुछ रिंग्ड फॉर्म के भी पाए जाते हैं, और इन अमीनो एसिड की जो वैल्यू है ये अलग अलग सॉल्यूशन में डाल के इनकी जो केमिस्ट्री है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो आयंस भी, आयन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या था अमीनो एसिड का, नॉर्मल फॉर्मूला था हमारा COOH C, यहां पर H लगा लीजिए, यहां पर NH2 था, और यहां पर हमारा R, या फिर R की जगह यहां पर भी आप लगाना चाहें तो सी लगा लें, वो सॉरी एच लगा लें। जैसे हमारा जो ग्लाइसिन है उसका एग्जांपल लेना चाहें तो ले लें।
तो आयनिक फॉर्म में भी हमारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे NH2 पाया जाता है, लेकिन जब इस पर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाता है तो ये हमारा कैटायन के फॉर्म में, उसके पॉजिटिव आयन के फॉर्म में हो जाएगा, NH3 भी हो जाता है। ठीक, अब ये यानी कि ये आयन को, पॉजिटिव आयन को ले भी सकते हैं। ये जो है ऐसे भी फॉर्म में हो जाते हैं। हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, यहां पर NH2 था, अब यहां पर एक पॉजिटिव आयन को निकाल भी सकते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव आयन के भी हमारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इस तरह भी फॉर्मूला हो सकता है। कुछ अमीनो एसिड यानी कि अपने पॉजिटिव आयन को दे भी सकते हैं और अमीनो एसिड अपने किसी से पॉजिटिव आयन को ले भी सकते हैं। ले रहे थे, यहां से ले रहे थे, जैसे यहां पर हमारा NH2 भी है, पर NH3 हो गया। और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो अपने हाइड्रोजन आयन को दे भी सकते हैं, एनायन फॉर्मिंग पाया जाता है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं, एक साइड से हाइड्रोजन आयन को ज्यादा ले लेंगे, एक साइड से हाइड्रोजन आयन को दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल रहेगा ना, लेकिन इस तरफ ज्यादा है एक पॉजिटिव आयन और इस तरफ एक पॉजिटिव आयन कम है, तो इसको हम कहते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म। जो है ये जो क्या कहलाई जाएगी, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। ज्यूटर आयनिक फॉर्म का मतलब ये है कि जो ओवरऑल चार्ज जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन एक साइड पर पॉजिटिव ज्यादा होगा और एक साइड पर नेगेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ज्यूटर आयनिक कंडीशन। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। अब हमारा जो है वो है लिपिड, सेकंड बायोमोलिक्यूल जिसका नाम क्या है, लिपिड। लिपिड जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल नहीं सकते। ठीक है, ये सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो फैटी एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ साथ आर ग्रुप को ही पाया जाता है, और इस आर ग्रुप में CH2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, C2H2 भी हो सकता है, एथिल ग्रुप भी उस आर ग्रुप में हो सकता है, या फिर और ज्यादा नंबर के हमारे कार्बन पाए जा सकते हैं। 1 से 19 कार्बन भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, पामेटिक एसिड है। पामेटिक एसिड का जो एग्जांपल है वो CH2 का होल 14 और COOH। इसमें कितने हैं कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, 1, 14, ये 14 और 15 और 16। तो ये पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड इसमें कितने हो सकते हैं, 16 कार्बन होते, यानी कि 1 से 19 तक इसकी आर ग्रुप के कार्बन हो सकते हैं। एक आता एराकिडोनिक एसिड, उसमें इंक्लूडिंग इस कार्बन को मिला के टोटल कार्बन जो होते हैं एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैटी एसिड जो होते हैं, ये लिपिड जो फैटी एसिड के फॉर्म में भी होता है, फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो आर ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, आर ग्रुप में मिथाइल ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है, और हमारे 19 कार्बन तक हो सकते हैं आर ग्रुप। फैटी एसिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। बोले तो उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो वो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, और उनमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है तो उनमें हमारे वो अनसैचुरेटेड होते हैं। कौन, हमारे फैटी एसिड। अब ये तो हमारे फैटी एसिड की बात होगी, लिपिड हमारे फैटी एसिड की भी हो सकते हैं। ठीक, और लिपिड हमारे ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं। तो लिपिड ये जो है फैटी एसिड भी हो सकते हैं। ये फैटी एसिड के बारे में मैंने बताया, फैटी एसिड के बारे में, और ये ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी ये होते हैं। जैसे ग्लिसरॉल जो है ये है CH2OH
CHOH, CH2OH, इसके फॉर्म में भी हमारे ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी लिपिड पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी होते हैं और फैटी एसिड के फॉर्म में भी हमारे लिपिड्स होते हैं। ठीक, अब बात आती है तो कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों को मिला के बनते हैं। जैसे अगर फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल में एक लगा है तो उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे, दो फैटी एसिड लग गए तो डाइग्लिसराइड कहेंगे, और तीन फैटी एसिड अगर हमारे ग्लिसरॉल के साथ हैं तो ट्राइग्लिसराइड इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे लिपिड जो होते हैं फैटी एसिड अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल के ही फॉर्म में पाए जाते हैं और दोनों के मिक्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये हमारे लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं फैट्स और ऑयल के फॉर्म में होते हैं। ये किसके बेस पर डिपेंड करता है? उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर डिपेंड करता है। सर्दियों के टाइम में भी कुछ लिपिड्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑयल सर्दियों के टाइम में भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट उनका कम है। वो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर हमारा लिपिड हमारे ऑयल के फॉर्म में भी है, और कुछ ऐसे होते हैं लिपिड जो फैट के फॉर्म में भी हैं, सर्दियों के टाइम में वो जम भी जाते हैं, जैसे आपने डालडा वालडा देखा होगा आपने, तो ऐसे इनको हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। और जो जमते नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। ठीक है, जैसे डिंगली ऑयल है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है। कुछ जो लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोरस के साथ भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस के साथ ही पाए जाते हैं। ये मेनली सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड इसमें कौन सा? फॉस्फोलिपिड वाला है। फॉस्फोरस के साथ भी वहां पर लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे हमारे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेसिथिन है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन LECITHIN लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है। तो कुछ लिपिड्स हमारे फॉस्फोरस के साथ भी पाए जाते हैं। ये वाली अब जो बात आती है हमारे दूसरे जो बायोमोलिक्यूल हैं वो हमारे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में भी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड ही बायोमोलिक्यूल्स में है। पॉली का मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड जब कोई चेन कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये न्यूक्लियोटाइड का लफड़ा समझ में नहीं आ रहा, चेन समझ में आता है, कोई चेन है, पॉली का मतलब मेनी है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रही है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मेनली तीन चीजों से मिलकर बनता है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। पहला वाला है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो दो तरीके के होंगे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं हमारे एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन में आते हैं हमारे साइटोसिन है, थायमिन है और यूरोसिल है, यूरेसिल। तो हल्का सा इनका वो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर और एक डबल बॉन्ड हमारा यहां पर होता है। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का, वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल रिंग्ड का स्ट्रक्चर होगा। एक ऑक्सीजन का एटम हमारा ऊपर होता है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहां पर होता है, यहां पर NH। और यहां पर भी हमारे NH, N है ये N, तो दो हमारे ऑक्सीजन एटम होते हैं और दो हमारे NH होते हैं और डबल बॉन्ड हमारा यहां पर होगा। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारा जो पिरिमिडिन का है, जो बेसिकली यूरेसिल का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिकली मैंने ये एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाया है। आप इतना याद रखेंगे कि प्यूरिन में डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडिन में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इतना आप याद रखोगे। ठीक, भले ही ये याद रखना मत रखना, लेकिन इतना याद रखोगे डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर प्यूरिन में होता है, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे नाइट्रोजन बेस हो गए। और दूसरा वाला जो आता है पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर में 5 कार्बन सुगर होती है। पेंटोज का मतलब 5, तो ये 5 कार्बन सुगर के बारे में मैं आपको बताऊं। दो तरह की 5 कार्बन सुगर होती है, पहली है राइबोस सुगर और दूसरी वाली है डीऑक्सी राइबोस सुगर। राइबोस सुगर और डीऑक्सी राइबोस सुगर, ये कई तरह की 5 कार्बन सुगर कई तरह की होती है। जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं दो तरह की 5 कार्बन सुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, पेंटोज सुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइबोस सुगर और डीऑक्सी राइबोस सुगर। अब इनमें देख लेते हैं, ये जो हमारी डीऑक्सी राइबोस सुगर है इसमें हमारे कार्बन नंबर 1, 2 कार्बन नंबर, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। ये इस तरह 5 कार्बन सुगर हुई, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कार्बन सुगर है। अब इसमें जो अरेंजमेंट जो होता है वो ये है, OH H H OH H OH, यहां पर ऑक्सीजन का एटम है, यहां पर हाइड्रोक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यहां पर हाइड्रोजन का, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का और यहां पर हाइड्रोजन का, ये है CH2OH। ये जो पहला, ये हमारा
फॉर्मूला है उसका राइबोस शुगर का, तो इसमें कार्बन के फाइव होते हैं C5H10O5, एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन के पांच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन के 10 और कार्बन के होते हैं 1 1 2 3 4 5, पांच कार्बन हमारे यहां पर होते हैं। तो ये कार्बन हमारे पांच है, हमारे एक यहां पर मैंने पहले काउंटिंग कर दी थी कार्बन की, वो होगी। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर का, एच ओ एच 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 ओ एच और एच, यानी कि कार्बन नंबर टू पर हमारा कार्बन नंबर वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, फोर ये है और फाइव ये है। कार्बन नंबर टू पर इसकी अपेक्षा इसमें एक ऑक्सीजन का एटम कम है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बताइए, डी ऑक्सीराइबोस शुगर। इसलिए हम इसे डी ऑक्सीराइबोस शुगर कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम कम है, डी है, तो कार्बन नंबर टू पर ऑक्सीजन का यहां पर ज्यादा है और यहां पर नहीं है, तो एक ऑक्सीजन एटम कम है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, इसका फॉर्मूला जो बनेगा C5H10O4, इसका हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 5 है और ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो ये हमारा पेंटोस शुगर हो गई जो न्यूक्लियोटाइड का दूसरा वाला पार्ट है। अब हमारा तीसरा वाला जो पार्ट लेंगे हम, वो है हमारा फॉस्फेट रेडिकल फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा वाला जो पार्ट होगा H3PO4 का जो फॉर्मूला है उसका, फॉस्फेट रेडिकल, फॉस्फेट रेडिकल में देखेंगे इसका वो कैसे बनता है, P(OO) होता है ऊपर की तरफ और OH यहां पर, OH यहां पर, OH दिख रहा होगा आपको, ये OH है यहां पर, यहां पर OH, यहां पर OH। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है H3PO4 बनता है, हाइड्रोजन तो तीन है, ऑक्सीजन चार है, 1 2 3 4 और एक हमारा फॉस्फेट। तो इस तरह जो फॉर्मूला जो बन रहा है ये हमारा फॉस्फेट रेडिकल हो गया। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड पेंटोस शुगर और हमारा फॉस्फेट रेडिकल। इसको हमने ढंग से समझ लिया है, ठीक। प्यूरिन्स को याद रखना, दो रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन का होता है और एक रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का ये हमारा कॉन्सेप्ट था, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहां थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे आप एक यहां से ले लो स्क्रीनशॉट और एक यहां से ले लो, इससे ढंग से समझ में आपकी आ जाएगी। तो अब हम नाइट्रोजन बेस के बारे में चर्चा करते हैं, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनस बेस,
दो तरह के होते हैं, प्यूरिंस और पिरिमिडिन्स। प्यूरिंस दो तरीके का होगा फर्दर, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन तीन तरीके के होते हैं, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिन। तो हमारे पिरिमिडिन तीन तरीके के होते हैं। अब एक न्यूक्लिक एसिड में चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसमें से सिर्फ चार ही हमारे नाइट्रोजन बेस यूज आते हैं और यहां पर तो पांच है। अब देखिए कैसे डीएनए में होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन। ये तो हमारे किसमें होंगे, डीएनए, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन। और जो आरएनए में होंगे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यहां ऐसे भाई एंड यूरेसिन, ये हमारे आरएनए में होते हैं। इसका मतलब थायमिन की जगह जो डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी तीन सेम सेम होते हैं। तो ये हमारे जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस, ये कितने तरह के होते हैं, पांच तरह के होते हैं। अगर मेजर फॉर्म में देखें तो दो तरह के हैं प्यूरिंस और पिरिमिडिन, फर्दर इनको डिवाइड कर देते हैं तो टोटल फाइव। एडेनिन की शॉर्ट फॉर्म ए जी, ऐसी ग्वानिन की शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम आप आगे बात करेंगे ए जी सी टी यू, इसके फॉर्म में हम आपसे बात करेंगे। अब एक आता है कॉन्सेप्ट है, वो है न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, जैसे ये मान लीजिए हमारी पेंटोज शुगर है, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, चलो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव ये कार्बन नंबर थे, यहां पर हमारा ऑक्सीजन। कार्बन नंबर एक से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, कोई ले लेते हैं ये हमारा एडेनिन जुड़ गया। तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है एडेनिन जुड़ जाए या थायमिन जुड़ जाए, ग्वानिन जुड़ जाए, साइटोसिन जुड़ जाए या यूरेसिन जुड़ जाए, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को मिलाते हैं क्या बनता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब यह कहानी देखेंगे आप कि जब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर, हम यहां पर कौन सी ले रहे हैं, अगर राइबोस शुगर है तो एक तो हमने नाइट्रोजन बेस यहां पर ले लिया,
नाइट्रोजनस बेस। और दूसरा वाला है हमारा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर दो तरह की होगी, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। अगर नाइट्रोजन बेस हमारा एडेनिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड को मिला दें तो न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या बनेगा, फिर वहां पर डी ऑक्सी एडिनोसिन। और राइबोस शुगर में एडिनिन के साथ क्या बनेगा, एडिनोसिन। राइबोस शुगर के नीचे क्या आ जाएगा, एडिनोसिन आ जाएगा। फिर अब ऐसे हम अगली कहानी ले लें ग्वानिन की। ग्वानिन पर पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ मिला दें तो यह क्या बनता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन। और राइबोस शुगर अगर आरएनए में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्वानोसिन। ठीक, अब बात आती है हमारी, ये तो नाइट्रोजनस एडेनिन और ग्वानिन जो हमारे क्या हो गए, प्यूरिन वाले हो गए। अब पिरिमिडिन वाले की बात कर लेते हैं। पिरिमिडिन हमारा कौन सा आता है, साइटोसिन। तो डीऑक्सी सिटिडीन और यहां पर क्या आ जाएगा, सिटिडीन, सिंपल सिटिडीन आएगा। ठीक, अब एक और आता है हमारा थायमीन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी ऑक्सी थायमिडीन। और यहां पर क्या थायमिडीन आएगा, नहीं, क्योंकि थायमीन जो है डीएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ पाया जाएगा, थायमीन राइबोस शुगर के साथ नहीं पाया जाएगा। राइबोस शुगर के साथ क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। ये हमारा यूरेसिल है, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता। और यहां पर क्या पाया जाएगा, यूरिडीन। तो ये हमारे स्पेशल न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड होते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी सिटिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन। और न्यूक्लियोसाइड होते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, सिटिडीन और यूरिडीन। ये हमारे न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि जब नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और हर एक नाइट्रोजन बेस पर्टिकुलर अगर जिस पेंटोस शुगर के साथ पाया जाता है तो उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है, जो इस तरह है। अब बात आती है हमारी, किसकी बात आ रही है, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, भाई नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर और होगी, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट रेडिकल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला यहां पर बना रहा हूं, कैसे देखते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं। देखिए ये हमारी पेंटोस शुगर है,
ठीक, और ये कार्बन नंबर वन से जुड़ रही है, एडेनिन न्यूक्लियो उसे नाइट्रोजन बेस से जुड़ रही है। यहां पर कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव होते हैं, इसको अब हम क्या कहेंगे बताओ, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे या न्यूक्लियोसाइड कहेंगे बताइए। इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ रही है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर का, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, याद रखना हम डीएनए का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो ये जो है यहां पर जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो इससे जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, तो अब इसे हम क्या कहेंगे बताइए, न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा नीचे कर लें इसे, फॉस्फेट ग्रुप है हमारा ये जुड़ गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड। और अगर इससे ऊपर रखा जाए तो कैसा होगा भैया, इससे हमारा होता है मान लीजिए टी ले लेते हैं यहां पर, और यहां पर ये जुड़ेगा, ये हमारा फ्री होगा CH2OH के फॉर्म में। अब देखिए तो हम कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर और ये ऊपर वाला कौन सा था फाइव, यहां पर फॉस्फेट जो ग्रुप है पेंटोस शुगर से एक तो फाइव कार्बन एंड पर जुड़ रहा और इधर से थ्री कार्बन एंड पर जुड़ रहा, तो यहां पर थ्री एंड थ्री है और वहां पर फाइव एंड थ्री है। अब इनकी लिंकेज के बारे में और बात कर लेते हैं, कौन कौन से बॉन्ड से ये जुड़ते हैं। इस वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, एन ग्लाइको सिडिक लिंकेज। जब नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ रहा है, जिस लिंकेज से जुड़ रहा है, जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है, उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह लीजिए या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह लीजिए। इस वाले बॉन्ड के एक बॉन्ड हमारे यहां पर भी पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फो एस्टर लिंकेज, इसको हम फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं। जो फॉस्फेट को किससे जोड़ रहा है, पेंटोस शुगर से जोड़ रहा है, और यहां पर पेंटोस शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब एक फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर लिंकेज कह लीजिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कह लीजिए, एक यहां पर जोड़ रहा है और एक ऊपर वाली को जोड़ रहा है, तो यहां पर दो होंगे, एक यहां पर भी तो पाया जा रहा फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अगर इन दोनों को कहें तो उसे क्या कहेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अगर ये बात आ जाए कि दो पेंटोस शुगर से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो उनके बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि दो क्लियर हो गए कंसेप्ट। अब यहां का बॉन्ड अलग, इसको कहेंगे इसका बॉन्ड अलग है, क्योंकि यहां पर एक ही से दोनों बॉन्ड जुड़ रहे हैं, यहां पर तो दोनों बॉन्ड एक से नहीं जुड़ रहे ना, ये अलग सेपरेट जुड़ रहा है, यहां पर अलग सेपरेट जुड़ रहा है, तो इसका सेपरेट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, इसका भी सेपरेट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर दोनों एक ही से जुड़ रहे हैं तो दोनों को एक नाम दे देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और आती है कि अब मैं इसको साफ कर देता हूं जरा, सेम कहानी हम यहां पर देख लेते हैं, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहां पर मैं दूसरा नाइट्रोजन बेस ले रहा हूं सी, देखिए यहां पर ये कैसे जुड़ेगा दूसरे वाले से, ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है,
एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। और यहां पर दो बॉन्ड होते हैं जिनका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे जुड़ता है ये देखेंगे। ये जो चलती है कहानी ये हमारी यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यहां पर उल्टा बनाया है। ये कार्बन नंबर वन है, ये टू है, ये हमारा थ्री है, ये हमारा फोर है, और ये हमारा फाइव है, ठीक। और फिर यहां पर हम कहानी देखें तो इसके साथ जो पाया जाएगा ये वाला पाया जाएगा सी के साथ, क्या पाया जाता है जी। यहां पर इसके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते। अब देख लीजिए, देख लीजिए आप, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये हमारे हो गए फोर, और ये हो गए हमारा पेंटो सुगर जिसका नाम है डीऑक्सी रेबो सुगर। यहां पर कौन सा एंड फ्री है, थ्री एंड फ्री है, और यहां पर कौन सा एंड फ्री है, फाइव एंड फ्री है। तो इस तरह हमारा ये डबल स्टैंडर्ड बनता है डीएनए का, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, नीचे हमारी पेंटोस सुगर आ जाएगी। तो इनके इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। आप इनको कैसे याद रखोगे, आटा दो, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी के पास जा रहे हैं खाने के लिए, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो उससे क्या कहते हैं भैया, आटा दो, यानी कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड ए और पी के बीच में पाए जाते हैं। तो तीन हमारे किसके बीच में पाए जाएंगे, जी और सी के बीच में पाए जाएंगे। तो एक बात यहां तक क्लियर होगी, तो ये जो स्ट्रेंड जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है, और ये स्ट्रेंड जो जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है। तो दोनों स्ट्रेंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी एक ये इधर आ रहा है ये इधर जा रहा, एंटी पैरेलल चलते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर ये हुआ। दूसरी वाली बात क्या है, इसका थ्री ये फाइव एंड होगा तो ये थ्री एंड फ्री होगा तो इसका फाइव एंड फ्री है, यहां पर इसका फाइव एंड फ्री है तो यहां पर इसका थ्री एंड फ्री है। एक स्ट्रैंड थ्री टू फाइव चलेगा तो दूसरा स्ट्रैंड भी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है थ्री टू फाइव। अगर दोनों का इस हिसाब से कहें तो ये थ्री टू फाइव, ये फाइव टू थ्री है। उस डायरेक्शन में कहें ये फाइव टू थ्री है तो ये थ्री टू फाइव है, यानी कि अपोजिट पैरेलल में चल रहा है। कुल मिला के बाद ये है। तो हम यहां पर एक बात और कह सकते हैं कि इसे फाइव एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, थ्री एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको हम नाम देंगे फाइव एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसको नाम देंगे हम थ्री एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। तो ऐसे ही हमारी थ्री एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये होगा, ये और फाइव एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये होगी। तो ये आपका इस वीडियो में आपकी बिल्कुल क्लियर बात हो गई होंगी कि न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट क्या है, न्यूक्लियोसाइड का कंसेप्ट क्या है, और हमारा डीएनए कैसे बना होता है। फर्दर आप कितने भी, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है,
जो हम बेस पेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पर ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया है, ये वहां पे हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड आगे जोड़ते चले जाएंगे आप, तो फर्दर जितना चाहे इतना लंबा डीएनए का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात ये बताऊं आपको, मैं क्लियर कर दूं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो इसको कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए यहां पर पी लगाना जरूरी है, जिससे आगे की मॉइटी बनेगी। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारा ये हो गया, न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, पेंटोस शुगर आती है और हमारा नाइट्रोजन बेस आता ही है, और इस पर कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड करने के लिए यहां पे भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह कहानी हो गई आपकी।